रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध को मोदी जी ने कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए रुकवा दिया था, ऐसा कहना था भक्तों और देश के तमाम लोगों के द्वारा। फिर कल से एक न्यूज वायरल हो रहा है कि, जो कि झूठ था लेकिन उसको वायरल किया गया, कि फ्रांस में जो अभी दंगे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए योगी जी को बुलाया जा रहा। ऐसी बातें लगातार हो रही है और मीडिया में कई तमाम गोदी मीडिया के चैनल लगातार इस बात को शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको ख्याल रखिए, मैं उन सब से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में मणिपुर में लगातार दंगे हो रहे हैं, लगभग 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, आज भी वहाँ हालात बद से बदतर है। लेकिन वहाँ पे तो कंट्रोल कोई नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ से लॉजिक आप लोग ऐसा लाते हो, ये गोदी मीडिया, ये देश की जो कुछ तमाम लोग हैं जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं या फिर भक्त कह लीजिए, वो लोग किस लॉजिक से ऐसा बोलते हैं। तो ये पूरी तरह से फेल हुआ है। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी, जब विदेश यात्रा पर गए, अमेरिका गए, उन्होंने उनको काफ़ी अच्छी स्वागत हुआ वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे 25,000 करोड़ का लगभग डील भी हुआ। लेकिन जब वहाँ से आए तो देश की जनता और मणिपुर की जनता को ये लग रहा था, उसके जो लोग शोषित हो रहे हैं, जिनको मार दिया जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में कुछ, कम से कम कुछ तो बोलेंगे। लेकिन नहीं, मोदी जी बोले तक भी नहीं। उन्होंने सबसे पहले आया तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुआ एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने पूछा कि देश में क्या चल रहा है, और मीडिया ने इसे लगातार बताया कि देश के बारे में हालचाल पूछ रहे हैं। पर बाद में हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने देश के बारे में नहीं पूछा होगा, उन्होंने लगा कि जब हम उधर गए तो इधर महागठबंधन की इतनी बड़ी मीटिंग कैसे अटेंड हो गई, वो भी सक्सेसफुल कैसे हो गई, और तुम लोग कर क्या रहो, ये पूछा होगा जैसा शायद हमको लगता है। अब आप ही बताइए, अगर वो पूछे होंगे कि देश में क्या चल रहा है, मणिपुर के हालात के बारे में पूछे होंगे, तो उसके अगले दिन जो सभा हुई मध्य प्रदेश में, जो सभा आयोजन किया गया, उसमें महागठबंधन के नेताओं पर भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोप, पॉलिटिकल बातें होनी भी चाहिए, वो लगाए, लेकिन मणिपुर का अभी तक नाम नहीं लिया। अब